हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप गाइस विल बी एब्सोल्युटली फाइन। गाइस उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। गाइस आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 फेयरिंग स्पोर्ट बाइक्स के बारे में, कि जो फेयरिंग स्पोर्ट बाइक है वो टॉप 5 हमारे यहाँ कौन कौन सी अवेलेबल है। प्लस मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने इस वीडियो में जितनी भी बाइक्स को रखा है गाइस वो अंडर 2 लाख रुपीज़ है। 2 लाख के ऊपर जितनी भी बाइक है मैंने उनको यहाँ पे नहीं ऐड किया, मैंने सिर्फ वही बाइक को ऐड किया हुआ गाइस जो 2 लाख रुपीज़ के अंदर आती है। तो उन बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं टॉप 5 फेयरिंग स्पोर्ट बाइक इन इंडिया, जिससे आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि अगर आप एक फेयरिंग सेगमेंट की बाइक लेना तो आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, आपको कौन सी परचेस करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं टॉप 5 फेयरिंग स्पोर्ट बाइक्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग जब पूरी वीडियो देख लेंगे या मैंने जिस बाइक को जिस पोजीशन में रखा है उसकी पोजीशन सही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता है कि किसी बाइक की जो पोजीशन है उसको कहीं और होना चाहिए तो उसके बारे में भी मुझे बताना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दे सकूँ। गाइस बात करते हैं हमारी बाइक्स के बारे में। नंबर 5 में आ जाती है दोस्तों सुजुकी जिक्सर SF155। देखिए सुजुकी जिक्सर S155 बाइक ना काफी बेटर है, बट यहां पे दोस्तों इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है ना वो काफी लो है। वैसे प्राइस भी कम है बट इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है गाइस वो मुझे ना काफी कम लगती है, इसलिए दोस्तों मैंने इस बाइक को नंबर टॉप 5 में रखा हुआ है। अगर यहां पे सुजुकी इस बाइक के परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ध्यान देता है तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये बाइक काफी बेटर बन सकती है जिस हिसाब से ये अभी है। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के प्राइस के बारे में। गाइस सबसे पहले बात करें एक्सोरूम प्राइस के बारे में। एक्सोरूम प्राइस लगभग 1,27,000 1,27,000 रुपए के आसपास की एक्सोरूम प्राइस आती है। और अगर बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में तो लगभग 1,50,000 के आसपास की ये बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बाइक के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में 4-स्ट्रोक 1 सिलेंडर एयरकूल्ड इंजन मिलता है। इस बाइक में 155 cc का इंजन यूज़ किया गया है। इस मैक्सिमम पावर में 13.6 का PS पावर है जो कि 8000 RPM में पावर जनरेट करता है। मैक्सिमम टॉर्क में 13.8 का न्यूटन मीटर टॉर्क है जो कि 6000 RPM में पावर जनरेट करता है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिज़ाइन किया गया है। एयरकूल्ड इंजन है, 2 वॉल्व है, चैन ड्राइव है बाइक में। स्टार्टिंग टाइप में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन है। फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन में ट्रांसमिशन मैनुअल 5-स्पीड गियरबॉक्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं अब इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, फीचर्स के बारे में, टायर्स के बारे में। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है जो कि मुझे काफी बेटर लगता है। प्लस टायर एंड ब्रेकिंग भी आपको इस बाइक में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। इंजन क्वालिटी ऑब्वियसली आपको काफी बेटर मिलेगी क्योंकि सुजुकी का इंजन है, जापानी टेक्नोलॉजी है। बट यहां पे दोस्तों इस बाइक का सबसे जो माइनस पॉइंट मुझे देखने को मिल जाता है वो मिल जाता है आप लोगों को एंड मुझे भी, वो है इस बाइक का परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से दोस्तों 155 सीसी की बाइक है। इस बाइक में कम से कम 15 से 16 bhp का अगर पावर होता तो ये बाइक की जो सेगमेंट होती ना वो काफी बेटर हो जाती है। और मुझे लगता है कि दोस्तों आज मैंने इसे 5 नंबर प्लेस में रखा तो ये किसी और प्लेस में होती, ये बात शायद आप भी एग्री करोगे। बात करते हैं दोस्तों हमारी 4 नंबर बाइक के बारे में, जो कि 4 नंबर में रखा है टॉप 4 में मैंने, वो है हीरो की एक्सट्रीम 200S। गाइस वैसे तो ये 200 सीसी की बाइक है ऐसा हीरो कहता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको काफी डाउन देखने को मिलेगी। बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बात करें लुक के बारे में तो ये लुकिंग वाइज भी ना उतनी बेटर नहीं लगती जितनी बाइक अदर बाइक्स रखती है फेयरिंग स्पोर्ट बाइक्स। अगर बात करें प्राइस के बारे में तो ये बाइक एक्सोरूम प्राइस लगभग 1,21,000 रुपीज के आसपास की एक्सोरूम प्राइस आती है। ऑन रोड प्राइस वही मान लीजिए 1,42,000 से 1,43,000 रुपीज के आसपास की ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इस बाइक के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OS इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, दुनिया SOSCV छोड़कर DOS इंजन में पहुंच गई है और यहाँ पे हीरो वाले अपनी 200 cc बाइक में OS इंजन यूज करें तो ये कौन सा सेंस होता है यार। इस बाइक में 199.6 cc का इंजन यूज किया गया है।
मैक्सिमम पावर में गाइस 18.08 का पीएस पावर है जो कि 8500 आरपीएम में पावर जनरेट करता है एंड मैक्सिमम टॉर्क में 16.45 का इंटरमीडिएट टॉर्क है जो कि 6500 आरपीएम में पावर जनरेट करता है। वन नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में ऑयल कूल इंजन है। बाइक में टू वॉल्व है, चैन ड्राइव है। स्टार्टिंग में किक एंड सेल्फ दोनों ही ऑप्शन आता है। फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल जाता है, प्लस मैनुअल 5 स्पीड गियरबॉक्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। कि साथ में इस बाइक में आपको स्पीडोमीटर में फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा डिजिटल मीटर है, नो डाउट। ये चीज मुझे अच्छी लगती है। प्लस दोस्तों इस बाइक का जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इस बाइक के में हीरो को इसके लुक में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। प्लस दोस्तों इस बाइक का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसके जो परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बाकी ओवरऑल ये बाइक अपनी जगह पर अच्छी है। बात करते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट बाइक के बारे में जिसे मैंने नंबर 3 में रखा हुआ है टॉप 3 में, और वो है हमारी KTM की RC125। ये भी एक फेयरिंग स्पोर्ट बाइक है। RC125 बाइक तो वैसे बहुत अच्छी है गाइस, नो डाउट, बट मुझे लगता है कि इस बाइक का जो प्राइस है अब वो थोड़ा सा ओवर प्राइस हो चुका है। अगर बात करें इस बाइक के एक्सोनम प्राइस के बारे में तो 1,68,000 से 1,70,000 रुपीस के आसपास की ये आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अगर बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में तो ये ऑन रोड प्राइस लगभग मान लीजिए दोस्तों 1,95,000 से 2,00,000 रुपीस के आसपास की ऑन रोड प्राइस पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कि 125cc के हिसाब से इस बाइक का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल FI DS इंजन मिलता है। इस बाइक में 124.7cc का इंजन यूज किया गया है। मैक्सिमम पावर में 14.5 का PS पावर है जो कि 9250 आरपीएम में पावर जनरेट करता है एंड मैक्सिमम टॉर्क में 12 का इंटरमिटेंट टॉर्क है जो कि 8000 आरपीएम में पावर जनरेट करता है। वन नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल इंजन है। बाइक में 4 वॉल्व है। ड्राई टाइप में चैन ड्राइव है। स्टार्टिंग टाइप में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन है। फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन है। साथ में मैनुअल 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। गाइस वैसे दोस्तों ये बाइक का जो फीचर्स आपको काफ़ी बेटर मिलेगा, बाइक की जो परफॉर्मेंस है 125cc के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस बाइक आपको ये मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि इस बाइक की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो प्राइस है वो मुझे काफ़ी हाई लगती है। बाकी इस बाइक की सस्पेंशन, अपसाइड डाउन, ब्रेकिंग, 4 पिस्टन कैलिपर, इस बाइक की हर एक चीज़ आपको काफ़ी बेटर मिलेगी। टायर साइज, बाइक का लुक एंड ग्राफिक तो आप जाने ही दो, फिर वो तो एक नेक्स्ट लेवल है। प्लस बाइक में डुअल आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलती है। हर एक चीजों पे मुझे RC125 काफी अच्छी लगती है, बट प्रॉब्लम है बाइक का प्राइस जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे KTM की तरफ से बहुत ज्यादा हद कर दी है। इस बाइक का जो प्राइस था वो मुझे लगता है 1,70,000 से 1,80,000 के आसपास भी रहता तो लोग इस बाइक को जरूर खरीदते, बट अब जो प्राइस है मेरे हिसाब से शायद ही लोग इस बाइक को खरीदने की सोचेंगे। बात करते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट बाइक के बारे में टॉप 2 में जिसे मैंने रखा वो है बजाज की पल्सर RS200। जैसे आपको पता है कि RS200 अपनी परफॉर्मेंस के नाम से जानी जाती है और ये बाइक अपने सेगमेंट में किंग है और ये हमेशा ही किंग रहेगी। बट इस बाइक में कुछ कुछ जो फीचर्स है, कुछ कुछ जो चीजें हैं जिसकी कमी के कारण मैंने इस बाइक को नंबर 2 में रखा है। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री हो गए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, डिसएग्री हो तो प्लीज जरूर बताना। इस पल्सर RS200 का जो एक्सोरूम प्राइस है वो लगभग 1,58,000 रुपीज के आसपास का आता है। ऑन रोड प्राइस ये बाइक लगभग 1,82,000 से 1,85,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। बात करते हैं के स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ट्रिपल स्पार्क प्लग, 4 वॉल्व, 200cc BS6 लिक्विड कूल इंजन आपको इस बाइक में मिलता है। इस बाइक में 199.5cc का इंजन यूज किया गया। मैक्सिमम पावर में 24.5 का PS पावर है जो कि 9750 आरपीएम में पावर जनरेट करता है एंड मैक्सिमम टॉर्क में 18.7 का इंटरमिटेंट टॉर्क है जो कि 8000 आरपीएम में पावर जनरेट करता है। वन नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया है। बाइक में लिक्विड कूल इंजन है, 4 वॉल्व है। स्टार्टिंग टाइप में सेल्फ का ऑप्शन आता है। फ्यूल सप्लाई में ऑब्वियसली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। 6 स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों फीचर्स में अगर बात करें तो यही चीज मुझे काफी कमी लगती है। इस बाइक में आप लोगों को एनालॉग भी डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से इस बाइक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आजकल की जो भी ब्रांड है अपने बाइक में भाई फुली स्पीडोमीटर में काम कर रही है, तो यहां पे बजाज को मुझे लगता है कि इस बाइक में कुछ अपडेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो तो है सबसे पहले इस बाइक का स्पीडोमीटर जिसमें गियर इंडिकेटर होना चाहिए, फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर होना चाहिए, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर होना चाहिए। सबसे प्लस पॉइंट
कंबाइंड मोबाइल कनेक्टिविटी भी होना चाहिए। प्लस दोस्तों इस बाइक में मेरे हिसाब से इस बाइक का जो कलर ऑप्शन है वो भी आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इस बाइक को टॉप टू में रखा। बात करते हैं हमारी नंबर वन बाइक के बारे में। टॉप वन में मैंने रखा हुआ है, जैसे आप लोग पहले ही समझ गए हुए, वो है यामा की R15 V3। गाइस R15 V3 जो है ना वो अपने सेगमेंट में फेयरिंग स्पोर्ट में 2 लाख रुपीज़ के अंदर मुझे ना सबसे बेस्ट बाइक लगने लगी है। 155 cc की बाइक है भाई, पर RS 200 को बिट करने का दम रखती है टॉप एंड में, और उस बाइक को RS 200 को पूरा टक्कर देती है। इस बाइक का जो एक्सोरूम प्राइस है गाइस वो लगभग मान लीजिए 1,54,000 रुपीज के आसपास का आता है, और रोड प्राइस 1,80,000 से 1,85,000 रुपए के आसपास की आपको ये देखने को मिल जाती है। इस प्राइस में आपको जो ये चीज मिल रही है ना भाई, एक नेक्स्ट लेवल चीज है। बात करते हैं इंजन के बारे में इस बाइक के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इंजन में दोस्तों लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSU 4-वॉल्व इंजन मिलता है, जो कि यामा की तरफ से इसमें VVA टेक्नोलॉजी आती है। कभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। बाइक में 155 cc का इंजन यूज किया गया है। 155 cc का इंजन है, बट ये मत समझना कि 150 cc बाइक है। भैया बाइक की जो परफॉर्मेंस है ना वो किसी भी 200 cc बाइक्स को बीट कर सकती है, इतना दम है इस बाइक में। मैक्सिमम पावर में 18.6 का PS पावर है, जो कि 10,000 RPM में पावर जनरेट करता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 14.1 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 8,500 RPM में पावर जनरेट करता है। वन नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल इंजन है। बाइक में 4 वॉल्व है। ड्राई टाइप में चैन ड्राइव है। स्टार्टिंग टाइप में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन है। फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। साथ में मैनुअल 5-स्पीड गियरबॉक्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। इस बाइक की जो बोर साइज है वो 58 mm की है। बाइक की जो स्ट्रोक साइज है वो 58.7 mm की है। हम आप लोग को बताता हूं दोस्तों इस बाइक को मैंने टॉप वन में क्यों रखा, क्या रीजन है उसके पीछे। सबसे पहला रीजन है दोस्तों इस बाइक की परफॉर्मेंस, जो कि नेक्स्ट लेवल है। सेकंड, आपको इसमें फीचर्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है। अंडर 2 लाख रुपीज देखोगे तो एक लौती बाइक है भाई R15 V3, जिसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है। अंडर 2 लाख रुपीज आप देखोगे तो इस वजह से भी यह बाइक काफी बेटर है। स्पीडोमीटर भी काफी बेटर है। प्लस बाइक का जो लुक है ना गाइस वो भी ऑब्वियसली काफी नेक्स्ट लेवल है। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो बाइक है टॉप वन में मैंने इसलिए रखा कि हर चीज आपको इसमें काफी बेटर मिलती है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप वीडियो से अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।